आइए, बड़े अफसोस के साथ एक अफसोसनाक खबर आज हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पुरानी खबर थी, आज से एक साल पहले लगभग 13 महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी बारकस से, जहां पर एक 7 साल का मासूम लड़का जिसका नाम था यासीन, उसके साथ गलत हरकत कर उसको मार दिया था। वहीं पर फिर सियासतदान सभी मुख्तलिफ पार्टी से आते हैं, उनके घर वालों से मुलाकात करते हैं और मीडिया में फ़ोटो खिंचाते हैं, प्रिंट मीडिया में उनकी काफ़ी फ़ोटो छपती है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर अच्छा अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, अपनी वाहवाह मचा लेते हैं और चले जाते हैं। दरअसल वहीं के मुकामी MLA जिनका नाम है सरबिता इंदिरा रेड्डी, जो कि मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर भी है, उन्होंने यासीन के घर पर जाकर विजिट किया था, मुलाकात की थी उनके घर वालों से और उनके घर वालों को ये वादा किया था कि आपके जितने भी बाकी के बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन फ्री देंगे और आपको रहने के लिए एक घर भी देंगे। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। यकीनन ये वादे सिर्फ बातों के रह गए, अमल करने के नहीं रह गए। जबकि आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, आपका एक एक अल्फाज मायने रखता है। बावजूद इसके अब तक कोई पैरवी नहीं की सरबिता नड्डी मैडम ने। बहरहाल आइए, यासीन के घर वाले क्या कहते हैं इसके ताल्लुक से, हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमें यहाँ को 2.5 साल हुआ, गांव छोटा है बोलकर यहाँ पर आए हैदराबाद को, बच्चों के पढ़ाई के लिए आए। 2.5 साल हुआ, 2.5 साल के बाद में 2.5 साल पहले बच्चे का, 1 साल में बच्चे का इंतकाल हुआ। बच्चा फूटी लातों बोले नको बेटे रात हुई नको जो बोले, तो बच्चा इशा के बाद 8-8:30 के बाद गया दुकान को। जाने के बाद में रोज़ जाना आना करता बोल को, हमें उसको पैसे दे दिए तो फूटी ला लेंगे कर समझे। हमें ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तरावे की, मगर हमको वो सा शख्स है कि पता नहीं मालूम नहीं। बच्चे को 1-1.5 घंटे से इनके अब्बा इंतज़ार करते आता कर बोल को, और 1.5 घंटे बाद जाने के बाद में बच्चे को मार डाले थे, उसकी जान से मार डाले थे। हमें बहुत परेशान है, हमें बहुत गमगीन है, हमारा अचानक कैसा हादसा हुआ, हमारी बड़ी परेशानी है, बहुत तकलीफ हुई। ये कैसा हुआ, हमें बच्चों को गाँव छोड़ कर तालीम तरबियत के वास्ते आए थे, ये कैसा हुआ कैसा नहीं अल्लाह। मैं बहुत परेशान में, बहुत तकलीफ में, अभी भी हमें हमारा दिन निकले तो बच्चा याद आता है, हर वक्त हर लम्हा हर पल घड़ी हमारे बच्चे की याद आती है, और हमारे जिस्म की पूरी ताकत ही चले गई, कुछ काम करने को होता नहीं। और उनके पापा भी 2-3 महीने से लॉकडाउन है कर बिल्कुल काम को नहीं गए, और काम पर जाने को तो कुछ काम भी मिल रहा नहीं, और उनकी भी हिम्मत नहीं, बच्चा मारने के बाद में कुछ काम करने को होने ताकत ही भी नहीं उनके पास, क्या करूँ क्या नहीं। और बड़े बड़े लीडर आए, सविता रेड्डी आए, बच्चा मर को गया, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अब ये 3 बच्चों को देख कर चाहिए, और ये बच्चों का हमें पढ़े के बारे में और पढ़े के बारे में इंतज़ाम करेंगे, और घर का आपको घर गिर कुछ तो दिलाएंगे, ऐसा बोल को गए। तो अच्छा ठीक है, अगर बोले अभी तक भी कौन से भी लीडर आए नहीं, और हमारे यहाँ के लीडर भी मालूम नहीं हमको, और सविता रेड्डी का भी घर मालूम नहीं, उन्हें कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं हमको पता नहीं क्या नहीं, हमें एहसास है। और हमारे को कोई भी पूछ रहे भी नहीं हमको, हमें खामोश रहे, कोई पूछ रहा नहीं क्या नहीं क्या करना अगर बोल को, बच्चे के दुख में हमें खामोश जाहिर कर रहे, हमारी खामोशी अल्लाह और रसूल को बता रहे हैं। हमें बहुत परेशानी, बहुत गमगीन है। और मिले की जानिब से आपको कुछ? हाँ, कुछ भी नहीं मिले हमारे कोई लीडरों की तरफ से, कुछ भी नहीं मिला लीडर। हाँ बोले सविता रेड्डी बोले उनकी बस इनकी मदद करो, इनके बच्चों की पढ़ाई के वास्ते मदद करो, कुछ पैसा दिलाएंगे, कुछ जगह दिलाएंगे, ऐसा है बोले। अब जगह नहीं देने, पहले बच्चों की पढ़ाई का पैसा करते भी इंतज़ाम करे, तो बहुत बहुत शुक्रिया है मीडिया वाले को और सविता रेड्डी, उनको भी मेहरबानी होती है हमारे लिए, बच्चों के पढ़ाई के बारे में मदद करे तो आप बहुत मेहरबानी होती, बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार थी मीडिया वाले का और सविता रेड्डी आंटी का। इंसानी जिंदगी में पानी अनमोल नेमत, मिनरल से भरपूर कुदरत का नायाब तोहफा, आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मौसम बहार लाए स्प्रिंग लाइफ, हर कतरा आपकी सेहत का जामिन।
हर कतरा 100% खालिस व सियासत फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की शानदार पेशकश। दवाखाना हो या कॉरपोरेट ऑफिस, सुपरमार्केट्स हो या आपका घर, आपके कॉल पर हमारी मुफ्त खिदमत आपके घर तक। कॉल फॉर फ्री डिलीवरी 1800 123 9498 9951 232986।